हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी के थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ है 28 सितंबर 2024 को, इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लास्ट में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें अराउंड 90% जो एमसीक्यूज आए हैं वो testpoint.pe की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे ज्यादा मर्तबा जो फीफा वर्ल्ड कप विन किया है वो ब्राजील ने विन किया है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये पहली मर्तबा 1930 में खेला गया था, और लास्ट जो इसका हुआ है फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये 2022 में हुआ है। और ब्राजील जो है ये 5 मर्तबा 5 टाइम्स जो है ये फीफा वर्ल्ड कप विन कर चुका है। तो सबसे ज्यादा मर्तबा ब्राजील ने विन किया है, और ब्राजील ने 1930 से लेकर 2022 तक हर सेशन में, हर एडिशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया है ब्राजील ने। सो ब्राजील इसका करेक्ट आंसर है। समर ओलंपिक्स गेम्स 2024 जो है ये पेरिस में फ्रांस में मुनक्किद हुए हैं, और ये 32वां जो एडिशन हुआ था ओलंपिक्स गेम्स का ये 2020 में टोक्यो में जापान में हुआ था। अभी 33rd एडिशन 2024 में पेरिस में फ्रांस में हुआ है, जहां पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल विन किया है। और 34th एडिशन ये यूएसए लॉस एंजलिस में 2028 में मुनक्किद किया जाएगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम स्पार्को है, और इसका फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमोसफेयर रिसर्च कमीशन। 1961 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। करंट जो स्पीकर हैं सिंध के प्रोविंशियल असेंबली के, इनका नाम सैयद अवेस शाह है। अवेस शाह जो है ये स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, फरवरी 2024 में ये बने हैं, और ये पीपीपी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे पहले जो है वो आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये जो है 1210 में इंतकाल कर गए, और इनका जो ये जो मकबरा है वो अनारकली बाजार लाहौर में लोकेटेड है। बैटल ऑफ प्लासी, जंगे प्लासी जो है ये 1757 को हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान, और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेज जीत गए थे, और जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला वो हार गया था। व्हाट इज डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम जो है वो डॉक्यूमेंट वन है, डॉक्यूमेंट वन। इसके साथ साथ आपसे ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम इन एमएस एक्सेल, ये आप बताइएगा। एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में, ये आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट्स विद। एमएस एक्सेल में फार्मूला जो स्टार्ट होता है ये इक्वल साइन से होता है, इक्वल साइन इसका करेक्ट आंसर है। लीबिया का जो कैपिटल सिटी है ये ट्रिपली है, ट्रिपली इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया वही कंट्री है जहां से मुअम्मर गद्दाफी ताल्लुक रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। विच टाइप ऑफ विटामिन इज यूज फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। सन से, सूरज से हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, और ये विटामिन सन की जो लाइट है ये विटामिन डी के लिए बेस्ट सोर्स मानी जाती है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। और इसको इटालियन एक जो है साइंटिस्ट है जिनका नाम है नाम द एवन गिलिस्टा टोरिसेली, इन्होंने 1643 में बैरोमीटर को जो है वो ईजाद किया था। पापा ऑरेंज, पापा का रिलेशनशिप ऑरेंज से है, तो ऑनियन का रिलेशनशिप टमाटो से है, टमाटो इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ये जो है चाइना ने लॉन्च किया था 2019 में। ग्रेन का ताल्लुक या रिलेशन जो है वो साल्ट के साथ है, इसी तरह चिप का जो रिलेशन है वो गिलास के साथ है। नवाए वक्त न्यूज़पेपर का फाउंडर हमीद निज़ामी था, और इसको 23 मार्च 1940 को इसका आगाज हुआ था। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप testpoint.pe के वेबसाइट से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और इसके साथ साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।